सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। चलो हम लोग के पास थ्योरम 6.5 है, ठीक है। क्या है थ्योरम 6.5? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, यानी कि ट्रांसवर्सल वही बात हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइन में, सच डैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि सेम साइड का जो ये है एंगल, ठीक है, ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। क्या है ये? सप्लीमेंट्री है, यानी कि इससे पहले हम लोग क्या प्रूफ किए थे, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं पहले। ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, यानी कि अब हमें क्या दे रहा है कि वो जो एंगल का, जो इंटीरियर एंगल का सम है वो सप्लीमेंट्री है, और हम लोग को प्रूफ अब क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी। इससे पहले हम लोग जब पढ़े थे 6.4 थ्योरम में तो क्या पढ़े थे कि दो पैरेलल लाइन है और हम लोग को सप्लीमेंट एंगल, जो इंटीरियर एंगल है वो सप्लीमेंट्री है, यानी कि ये जो थ्योरम है उसका जस्ट कन्वर्स है, यानी कि उसका उल्टा है, ठीक है। तो देखो करते हैं, गिवन, तो गिवन में हमारा जो है दो एंगल इंटीरियर एंगल का सम कितना है 180, तो वो जो है उसे लिख दे रहे ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू इज इक्वल टू, ये हमें गिवेन है, ठीक है, रिमेंबर दिस। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, ये लिखना होता है, तो क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल सी डी, वी हैव टू शो दैट ए बी पैरेलल सी डी, ये दिखाना है, ठीक है। ये दिखाने के लिए हम लोग को करना क्या होता है कि हम लोग कोरस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल कर दे, ये अल्टरनेट एंगल, ऐसे इसमें ज़्यादा कोरस्पोंडिंग एंगल ही देखेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप लोग हम प्रूफ में आते हैं, इसको मान लेते हैं हम, चलो वन मान लेते, ठीक है, मान ले। अब देखो यहाँ एंगल ए क्यू आर, अच्छा ये एंगल देखो तो ये सी आर एस, ये है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल, ये एंगल और प्लस ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सी आर क्यू प्लस एंगल सी आर एस 180 डिग्री, कहाँ से, लीनियर पेयर से, हो गया सी आर क्यू, यानी कि ये एंगल, ठीक है, और ये सी आर एस, ये एंगल इस सपल में क्या उसको बोलता है, लीनियर पेयर है ना, ये एंगल हुआ ना, ये स्ट्रेट लाइन पी एस में लिए 180 डिग्री, समझ में आया, तो लीनियर पेयर हो गया हमारे पास, अरे वो ली एली है लग रहा है देखने में, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिए, टू मान लिए। अब यहाँ देखो सम ऑफ ए क्यू आर प्लस सी आर क्यू हमारे गिवन था 180 डिग्री, और ये सम ऑफ सी आर क्यू प्लस सी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या समझ में आ रहा है कि ये हम लोग ये इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, विल बी आल्सो इक्वल, तो हम लोग लिख सकते ए क्यू आर प्लस सी आर क्यू, सी आर क्यू प्लस एंगल सी आर एस, है ना, हमें पैरेलल लिखाना है, तो सी आर क्यू और सी आर क्यू हाँ कट जाएगा, तो ए क्यू एंगल ए क्यू आर एंगल सी आर एस, ये कहाँ ये कौन सा एंगल है, ए क्यू आर इक्वल टू सी आर एस, ए क्यू आर और ये सी आर एस, ये कौन सा एंगल है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, और हम लोग को पता है क्या, हम लोग को पता है जब दो लाइन को, ठीक है, उसका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो जब उसका कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है तो जो दो लाइन होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एक लाइन लिख दो, डीज एंगल्स, ये दोनों एंगल का बात हो रहा है, डीज एंगल्स आर कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है, दे आर इक्वल, इसलिए हैंस ए बी पैरेलल सी डी, देखो यहाँ क्लियर है, चलो पॉज कर दो वीडियो, अब इसके बाद दूसरा थ्योरम देखते हैं।